डंडी क्या मारेंगे क्या सर, जो जो करवावे हम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारे 6 इंच के चौखट के बारे में। उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में दोनों के बारे में बताएंगे। हो सकता है आपने कभी 6 इंच का साढ़े 6 इंच का चौखट देखा भी हो, नहीं भी देखा हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चौखट जो है अभी बनकर तैयार है और इधर देख रहे हैं, इधर छोटा था और इधर जो है बड़ा वाला है, ये 7 फुट का खड़ा है। अभी आप ये देखिए, इधर 6.5 इंच है, अगर सेंटीमीटर में नापा जाए तो 16.5 सेंटीमीटर है, 6.5 इंच और 16.5 इंच, 16.5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए फीता सिर्फ चौड़ाई है इसका, ये 6.5 इंच से फ़ायदा आपका ये हो गया। अगर 5 इंच का अगर आपका दीवार होगा तो बीच में आप लगा लेंगे चौखट तो आपको दोनों साइड प्लास्टर में जो है बराबर हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं एक साइड के प्लास्टर में बराबर हो चुका है इधर, और दूसरे साइड भी प्लास्टर होगा तो भी बराबर हो जाएगा। नीचे देख रहे हैं, नीचे से ऊपर तक इसमें कोना नहीं निकलता है। ये देखिए अभी साफ सामने तरफ यानी कि आगे साइड जो है प्लास्टर नहीं हुआ है, तो अभी आप देखिए इधर और पीछे साइड प्लास्टर हो गया तो उसमें बराबर हो गया है। ये आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे तो 6.5 इंच में आपका नुकसान ये है कि पैसा आपको इसमें ज़्यादा लगेगा, दोगुना पैसा लगभग लग जाता है इसमें। ये देख रहे हैं इधर बाथरूम, इधर किचन का है दीवार, इसमें अंदर साइड प्लास्टर हो चुका है इसमें, और इसमें भी टाइल्स लगना है, इधर बराबर है। 6.5 इंच में आपको कोना जो है ना तो आगे निकलेगा ना पीछे निकलेगा। ये चौखट आपको कैसा लगा देखने में, अगर अच्छा लगा या बुरा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख लें तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिएगा ना, अभी ना कल देखिएगा, चलो उठाओ कल देखेंगे। हाँ, इसको कल देखिए।